हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानपुंज विथ यस के। तो आज का हमारा टॉपिक है टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 2020। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन बनेंगे टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक से वो मैं करवाऊंगी। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं परीक्षा के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 2020 का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है। तो ये जो है आयोजित हुआ है 16वां, और 2020 का जो आयोजित हुआ है तो 2020 में आप लोगों को बता दें कि कोरोना की वजह से नहीं हुआ, तो वही 2020 वाला ही 2021 में हुआ है। तो इसमें जो है 16वां संस्करण है, और जो अगला संस्करण है वो 2024 का, तो वो होगा पेरिस फ्रांस में होगा। और इससे पहले 2016 में जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो में। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 2020 का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है, तो ये है 16वां। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 2020 का आयोजन किस देश में हो रहा है। तो ये जो हो रहा है वो हो रहा है जापान, ठीक है। तो जापान के टोक्यो में हो रहा है, और इसका उद्घाटन कौन कर रहा है, तो उद्घाटन जो किए हैं वो हैं जापान के सम्राट नारुहितो। तो उन्होंने टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक का उद्घाटन किया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 2020 का आयोजन कब से कब तक हुआ। तो ये जो हुआ था 24 अगस्त से 5 सितंबर तक हुआ था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या है। तो ये जो शुभंकर था वो था सोमाइटी। तो यहाँ पे सोमाइटी जो है शुभंकर था। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टोक्यो पैरा ओलंपिक के थीम गीत कर दे कमाल तू को किसने लॉन्च किया है। तो ये जो लॉन्च किए थे वो किए थे अनुराग सिंह ठाकुर। यहाँ पे अनुराग सिंह ठाकुर आप लोगों का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और ये जितने भी क्वेश्चन हैं परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो इसको प्लीज़ ध्यान से देखिएगा और इसको नोट भी करते चलिएगा। और आप लोगों को अगला जो वीडियो चाहिए उसके लिए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तभी मैं आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो लाया करूँगी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 2020 में कितने देश शामिल हुए हैं। तो ये जो शामिल हुए थे 163 देश शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है किस शहर में 2 बार ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ है। तो ये जो आयोजन हुआ है वो टोक्यो में हुआ है। तो जापान देश के टोक्यो शहर में 2 बार आयोजन हुआ है, एक हुआ था 1964 में और अभी एक 2021 में हुआ है। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि ये जो 2020 का ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक है वही 2021 में हो रहा है, तो मतलब हुआ था। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन कब किया गया था। तो ये जो है 1960 में रोम इटली में किया गया था। तो ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक का जो खेल का आयोजन किया गया था पहली बार वो किया गया था 1960 में, कहाँ पे, रोम इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में कितने भारतीय खिलाड़ी शामिल हुए। तो ये जो शामिल हुए थे 54 शामिल हुए थे। तो यहाँ पे 54 जो है भारतीय खिलाड़ी शामिल हुए थे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में कुल कितने पदक जीते। तो ये जो टोटल पदक जीते थे वो जीते थे 19, जिसमें से 5 गोल्ड था और सिल्वर 8 था और ब्रॉन्ज 6 था। तो इसमें जो है टोटल कितने पदक जीते थे, तो 19 पदक। और रैंक कौन सा रहा, तो रैंक था 24वां रैंक था भारत का। अब हम लोग नेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंट खिलाड़ियों के बारे में देख लेंगे जिन्होंने गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल ये सब जीते थे। तो फर्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं ऑनी लेखरा के बारे में। तो ऑनी लेखरा जो है वो कहाँ से हैं, जयपुर से हैं, और ये जो थी ये थी इंडियन राइफल शूटर। तो यहाँ पे इंडियन राइफल शूटर थी, और इन्होंने 10 मीटर राइफल में गोल्ड मेडल हासिल किया, और फाइनल में इन्होंने 249.6 अंक हासिल किए थे और इनको गोल्ड मेडल मिला था। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए इनके बारे में, अपनी पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक
जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। तो ये जो है स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। और महिलाओं की 50 मीटर राइफल में 445.9 पॉइंट्स के साथ ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है, मतलब इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता और ब्रॉन्ज मेडल भी जीता। 10 मीटर राइफल में गोल्ड मेडल जीता और 50 मीटर जो राइफल है उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, तो यहाँ पे देख लेते हैं आप सुमित अंतिल के बारे में। तो सुमित अंतिल जो है इंडियन जेवलिन थ्रोअर हैं और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है F64 वर्ग में। और ये कहाँ के हैं? ये हैं हरियाणा के सोनीपत के। और इन्होंने 68.55 मीटर का थ्रो करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो 68.55 मीटर का थ्रो करके विश्व रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। और एक सुमित अंतिल क्या हैं? तो इंडियन जेवलिन थ्रोअर हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे मनीष नारवाल, तो इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है। तो ये क्या हैं? इंडियन पिस्टल शूटर हैं। और ये कहाँ से हैं? हरियाणा के फरीदाबाद से हैं। और शूटिंग की मिक्स्ड 50 मीटर SH1 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। तो इन्होंने क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। और किस में जीता है? शूटिंग की मिक्स्ड 50 मीटर SH1 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। अब नेक्स्ट पे हम लोग देखेंगे, तो नेक्स्ट यहाँ पे है प्रमोद भगत। तो प्रमोद भगत जो है इंडियन पारा बैडमिंटन प्लेयर हैं और इन्होंने SL3 वर्ग में डैनियल बेथेल को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। तो इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है। और ये कहाँ से हैं? हाजीपुर, ये बिहार से हैं। और इन्होंने SL3 वर्ग में डैनियल बेथेल को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे किशोरा नागर के बारे में। तो ये क्या है? इंडियन पारा बैडमिंटन प्लेयर हैं और इन्होंने भी क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। और ये कहाँ से हैं? राजस्थान के जयपुर से हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पे है भाविना पटेल। तो इन्होंने टेबल टेनिस प्लेयर हैं और टोक्यो पैराओलंपिक में भारत को पहला पदक भाविना पटेल ने दिलाया था। तो मतलब यहाँ पे टेबल टेनिस प्लेयर हैं ये और टोक्यो पैराओलंपिक में भारत को पहला पदक जो इन्होंने दिलाया है। और इन्होंने क्या जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। तो यहाँ पे 5 जो हैं गोल्ड मेडल जीतने वाले थे और यहाँ पे भाविना पटेल जो है वो सिल्वर मेडल जीती हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, तो नेक्स्ट है यहाँ पे देवेंद्र झाझरिया। ये क्या है? ये है इंडियन पैराओलंपिक जेवलिन थ्रोअर हैं और इन्होंने 64.35 मीटर भाला फेंक कर सिल्वर मेडल जीता है। नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे इनके बारे में कुछ और आगे देखते हैं। 2017 में देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इनको। और अब नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं बारी बारी से सिल्वर मेडल किनको किनको मिला है। तो सिल्वर मेडल यहाँ पे जो है भावना पटेल को मिला है जो कि टेबल टेनिस प्लेयर हैं, देवेंद्र झाझरिया जो कि जेवलिन थ्रोअर हैं इनको भी सिल्वर मेडल मिला है, मरियन थंगवेलू ये हाई जंपर हैं इनको भी सिल्वर मेडल मिला है। 2017 में इनको अर्जुन पुरस्कार, 2017 में ही पद्मश्री पुरस्कार और 2020 में इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे, तो नेक्स्ट यहाँ पे है निषाद कुमार। निषाद कुमार भी हाई जंपर है, इनको सिल्वर मेडल मिला है। और यहाँ पे योगेश कथुनिया ये क्या है? ये है पैराओलंपिक एथलीट हैं, इनको भी क्या मिला है? सिल्वर मेडल मिला है। नेक्स्ट है प्रवीण कुमार, ये है हाई जंपर, इनको भी सिल्वर मेडल मिला है। सुहास यथिराज ये बैडमिंटन प्लेयर हैं और इनको भी सिल्वर मेडल मिला है। और यहाँ पे सिहराज अडाना हैं जिनको कि इंडियन पैराओलंपिक शूटर हैं और इनको भी सिल्वर मेडल मिला है। अब हम लोग ब्रॉन्ज मेडल को बारी बारी से देख लेते हैं। तो ब्रॉन्ज मेडल जो है यहाँ पे सुंदर सिंह गुर्जर जेवलिन थ्रो में मिला है, इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। सिहराज अडाना को मिला है, शरद कुमार को मिला है, अवनी लेखरा को मिला है, हरविंदर सिंह को मिला है, मनोज सरकार को मिला है। सुंदर सिंह गुर्जर जो है जेवलिन थ्रो हैं, सिहराज अडाना को 10 मीटर एयर पिस्टल में मिला है, शरद कुमार को हाई जंप में मिला है, अवनी लेखरा को शूटिंग में मिला है और हरविंदर सिंह को तीरंदाजी में मिला है, मनोज सरकार को बैडमिंटन में मिला है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं रैंक। तो रैंक में जो है फर्स्ट पे जो है चाइना था जो कि टोटल 207 मेडल जीता है। और सेकंड जो है ग्रेट ब्रिटेन का है जो कि 124 मेडल जीतकर सेकंड नंबर पे आया है। और नेक्स्ट है यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट तीसरे नंबर पे जो कि 104 मेडल जीतकर तीसरे नंबर पे है। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने करवा दिया और ये सारे परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो
प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। और अगला टॉपिक आप लोग को जो भी होगा मैं नेक्स्ट क्लास में लाऊंगी, तब तक के लिए बाय।